तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने अपना एक वादा निभा दिया। रेड्डी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि जनता के लिए सीएम आवास के सभी दरवाजे खुले रहेंगे। कार्यभार संभालने के कुछ मिनटों बाद ही रेवंत के आधिकारिक आवास के सामने लगे लोहे के बैरिकेड्स और बाड़े हटा दिए गए। ये बैरिकेड्स मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगे हुए थे। आधिकारिक आवास के बाहर कई बुलडोजर, ट्रैक्टर और मजदूरों को लोहे के बैरिकेड्स को उखाड़ते देखा गया। अपने चुनाव अभियान के दौरान रेवंत रेड्डी ने कई बार वादा किया था कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगे लोहे के बैरिकेड्स को हटा दिया जाएगा। इसे हटाए जाने के बाद जनता को सुचारू यातायात की सुविधा मिलेगी। गैस वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने वाले श्रमिकों की टीम ने 10 फीट ऊंची बाड़ को काटने और हटाने की कवायद शुरू की। अब शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने पहला वादा पूरा कर दिया। रेवंत के मंत्री पूनम प्रभाकर ने भी शपथ लेते ही कहा कि वो जनता की बात सुनेंगे। जो हम लोग तेलंगाना के लिए हमारा बुजुर्गों भी लड़े, मगर जब हम पार्लियामेंट में सोनिया जी के आशीर्वाद से हमने तेलंगाना हासिल किया है, मगर 10 साल हमारा सरकार नहीं था, तेलंगाना जनता के जो इच्छा थी वो पूरा नहीं हुआ। अभी असली तेलंगाना आज से शुरू होगा। जनता के लिए जो आज प्रगति भवन था वो प्रजा भवन ज्योतिबा फुले प्रजा भवन होगा। कल से कोई भी आके उसका हमदर्दी को हमको सुना सकते हैं। इस पहले 10 साल में सिर्फ एक तरफ का आवाज था, जनता का आवाज सुनने का बात नहीं था, सिर्फ नेता का बात को जबरदस्ती अमल करने का यहाँ माहौल था। वो माहौल को बदलते हुए जनता की भी बात सुनेंगे और उनकी हमदर्दी को समझेंगे और सरकार उनकी हमदर्दी को दूर करेंगे। ये कांग्रेस की सरकार है, सोनिया जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी की और प्रियंका जी की मार्गदर्शन में, के सी वेणुगोपाल और ऑल इंडिया लीडरशिप के साथ हमारा स्टेट में जितने भी हम सीनियर लीडर है सब मिलके प्रदेश में जनता के हित में काम करेंगे आज से और आने वाला 5 साल में इंदिरम्मा का राज लेके आएंगे। पोर्टफोलियो इज ए मिनिस्टर पद पार्टी डिसाइड करता है, उसका पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री डिसाइड करता है, उसका मर्जी से जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा पूनम प्रभाकर उसका बहुत तगड़ा से काम करके जनता के हित में काम करेगा। इस वादे के साथ ही रेवंत रेड्डी ने अक्टूबर में एक दिव्यांग महिला से किया वादा भी पूरा किया। रेड्डी ने अक्टूबर में एक दिव्यांग महिला से वादा किया था कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही उसे नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही रेड्डी ने दो फाइलों पर हस्ताक्षर किए। पहली फाइल 6 चुनावी गारंटी को लागू करने के लिए और दूसरी फाइल दिव्यांग रजनी को नौकरी प्रदान करने के लिए।